शाहनवाज खान रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और ऐप पर आपका वेलकम करता हूं। अब फाइनल घड़ी आ गई है, हमने एग्जाम दे दिया है और नीट का केमिस्ट्री का पेपर अगर एनालिसिस किया जाए 2020 का, बहुत इजी पेपर था। डायरेक्ट एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री जिसका सबसे ज़्यादा डर होता है, बहुत इजी आई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछी गई है, सारा कुछ एनसीईआरटी से है। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और सब पुराने क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत अच्छे से पुराने पेपर्स और एनसीईआरटी को क्लियर किया है तो आप बहुत अच्छे से पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। स्टार्ट करते हैं बेटा, मैं बताता चला जाऊंगा। सारा पेपर हमारे नोट्स के अंदर से था, सारा के सारा पेपर जो है आपको हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर आए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए उसके अंदर से था, और आखिरी में जाते जाते जो हमने सबसे ज़्यादा प्रिडिक्शन किया था कि ये हमारा प्रिडिक्शन है और बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जान के खुश होंगे और उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और नोट्स के अंदर हमने सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेड चीज़ें जो लिखाई थी, पूरा का पूरा पेपर वहाँ से आया है। बताता चलता जाऊँगा, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के कहा है कि ये बेटा इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है और वही क्वेश्चन आए हैं। स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन हमने टेस्ट में, मेजर टेस्ट में बहुत दिए हैं, पूरा का पूरा पेपर नोट्स में से हैं और एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी है उसमें से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश बोथ में लेके चल रहा हूँ इधर, ठीक है। ल्यूटिशियम का आपके पास में सिंपल जो है वो आपके पास में दे रखा है, एटॉमिक नंबर आपके पास में है कितना, Lu 71 175, बहुत ही आसान निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पहले आ चुका है, 71 सेकेंड आंसर है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देन फाइनली आगे चलेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन पुराने एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था उसके आगे वाला क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से धातु आयन अनेक एंजाइमों की सक्रिय करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी उत्पादन, ये यहां जो है तो सोडियम पोटेशियम, झिल्ली के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, सो एटीपी एंड विद सोडियम, और सिग्नलिंग के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल है कौन है बेटा, पोटेशियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्ट सिंगल लाइन लिखी हुई है एप्लीकेशन के अंदर, एस ब्लॉक में ही आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से था, एस ब्लॉक से क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है एस ब्लॉक से आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इस बार कार्बन फैमिली से बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसने कार्बन फैमिली उठाई और कार्बन फैमिली से क्वेश्चन दे दिए हैं, कार्बन फैमिली से जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से दो क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है। पी ब्लॉक में से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां से है, पी ब्लॉक, और कहां से, एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेटा नोट्स में। और मैंने कहानी बता बता कर कहा था कि इस जो कार्ब हीमोग्लोबिन है, जिसको कार्ब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बनता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्ट सीओ के साथ में, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, 230 टाइम ज़्यादा स्टेबल होता है। और मैंने ये भी कहा था कि जो अंगीठी जला के सोते हैं कमरे के अंदर, रात को उनकी अखबार में खबर ही छपती है, वो किस वजह से छपती है, ये मैंने जुमला भी कहा था आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि जो कार्ब हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा स्थायी होता है। तो क्या है, सही नहीं है। तो देखिए, अपूर्ण दहन से सीओ बनता है, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन से जो है कंपनसेशन से आपको सीओ मिलेगा, पहला चीज, ठीक है। कार्ब हीमोग्लोबिन बनाता है, बिल्कुल सही बात है, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, वहन करने की योग्यता है, उसको कम कर देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत स्टेबल होता है हीमोग्लोबिन से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बेटा। अगला वाला देखते हैं अपन,
कि निम्न में से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कहां से क्वेश्चन है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट बेसिक केमिस्ट्री, कहां से मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कराए हैं बेटा। तो सिंपल क्या है, जो ग्राम में वैल्यू दे रखी हो उससे एटॉमिक नंबर का डिवाइड कर देंगे आप, और जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको मोल मिल जाएगा, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो नंबर मिल जाएगा बेटा, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर आपको लिथियम का मिलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब मेटल एनर्जी के अंदर और सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्ट्राडिक्ट है, लेकिन क्लियरली कहां लिखा हुआ है, अगर आप मेटल एनर्जी में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, लेकिन सेपरेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कौन सी पार्टीशन या विपाटन वर्ण आलेखिकी है। एनसीईआरटी 11 पेज नंबर 353 पर ये आपको मिलेगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, थर्ड वाला आंसर सही है। फोर्थ वाला मेटल एनर्जी के अंदर आपको लगेगा ऐसा कि सही है, क्योंकि वहां भी एनसीईआरटी कंफ्यूजन कर रही है, लेकिन क्लियरली एनसीईआरटी ने कहां लिखा है, वो 11th एनसीईआरटी के अंदर, जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सेपरेट करने की टेक्निक बहुत डिटेल में दी है, वहां क्लियरली मेंशन किया है। तो उलझेना क्लियरली वहां बताया गया है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या विपाटन वर्णलेखिकी जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कई बार करा चुका हूं मैं कि आपको नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ याद करके जाना है, क्लोरोप्रीन आइसोप्रीन ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सा सिस वाला ये लिखा हुआ था, विच वन इज ए जो है नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो यहां पर देखिए 614 आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक बहुलक है, निशान लगवाया था 2020 के लिए, आ गया आपका 2020। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, तो यहां पर ये हमने 6 क्वेश्चन देखे, एक भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं था बेटा, एक भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, अब मैंने आपको कहा था राउल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हेनरी एंड राउल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने कहा था राउल, तो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, 12th के अंदर से सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो राउल नियम से धनात्मक विचलन, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल लॉ, और एग्जांपल मैंने कहा था कि आदमी कब से ज्यादा पॉजिटिव होता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कब होता है, इथेनॉल के साथ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, तो कौन सा है भाई, इथेनॉल कहां है, ये रहा इथेनॉल, इथेनॉल विद एसीटोन सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो है वो है, बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन टॉलुइन इज आइडियल सॉल्यूशन, क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन रखता है तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कौन सा हो गया, इथेनॉल एंड एसीटोन। क्लास में बताया था कि अल्कोहल सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन है आपके साथ में अल्कोहल का। नेक्स्ट आपके पास में है Cr+2 का चुंबकीय घूर्ण, और ये मैंने 2020 ऊपर वाला भी 2020 लगाया था, नीचे वाला भी 2020 लगाया था, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था फॉर्मूला कि रूड Nn+2, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ज्यादा क्या हो गया, मैंने कहा डायरेक्ट आप ऑप्शन को देखिए 4.90, ठीक है, तो मैग्नेटोन ये आपके पास बोर मैग्नेटोन आ गया है 4.90, तो क्या है आपके पास में, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, कहां से आ गया, डी ब्लॉक का क्वेश्चन, तो यहां देखिए ब्लॉक छाया हुआ है पूरा अभी तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले की, अरे जेओसी आ गया, जेओसी 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 से क्वेश्चन, यहां से जेओसी भी बहुत पूछा गया है, तो जेओसी का क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बधनायन और द्वितीयक ब्यूटिल कार्बधनायन से ज्यादा स्थायी होता है, मतलब ये जो है टर्शरी वाला पॉजिटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है,
मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन ब्यूटिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। बाकी सारा आप देखोगे तो कहीं आपको नहीं मिलेगा, रिजोनेंस कहीं नहीं होता है CH3 के अंदर, और नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इफेक्ट होता तो अपन वो वाला करते, लेकिन अभी अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन था, अति संयुग्मन था, तो हमने वो किया। ये क्वेश्चन भी मैं आपको टेस्ट में दे चुका हूं और करवा चुका हूं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये फिर से एक 2020 क्वेश्चन। कई बार मैंने बच्चों को क्लास में कहा है, अरे भाई जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है, रुद्धोष प्रक्रम में मुक्त प्रसारण हो रहा है, तो क्या सब जीरो है बेटा, सब जीरो है, तो मतलब क्यू तो जीरो होता ही है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, डेल्टा टी जो है वो आपका क्या है वो भी जीरो, और वर्क डन भी जीरो इन एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ में तो एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन तो फर्स्ट वाली हो गई क्यू जीरो, लेकिन फ्री एक्सपांशन के अंदर क्या होता है कि भाई वर्क डन भी जीरो होता है और डेल्टा टी भी जीरो होता है, आइसोथर्मल की तरह जो है वो बिहेव करता है। तो ये आपके पास में हो गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, अगर थोड़ा भी अगर आपने थर्मो पढ़ा है तो क्वेश्चन कहां से आ गया, अरे बेटा थर्मो से क्वेश्चन, तो कोई भी पार्ट नहीं छूटा है, सबको बराबर रखा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब बराबर है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला वाला बेटा क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, और ये फिर जीओसी से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन आ गया, जीओसी से, जीओसी से क्वेश्चन है आपके पास में, टू ब्रोमोपेंटेन से इन बना है, मतलब क्या एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन, विलोपन में क्या होता है, बीटा विलोपन, बिल्कुल सही, सेट जेफ लॉ, बिल्कुल सही, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, हाइड्रोजन भी निकल रहा है हेलोजन भी निकल रहा है, बिल्कुल सही, अरे निर्जलीकरण होता है क्या, OH है ही नहीं तो निर्जलीकरण कहां से होगा बेटा, क्लियर हो गया। तो इन टू ब्रोमो पेंटेन टू कन्वर्ट टू इन के अंदर, पेन टू इन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या बीटा एलिमिनेशन होता है भाई सर, सेल्जेफ रूल, चेटसेफ रूल ये आपके पास में है, हाइड्रोजनेशन जो है वो हो रहा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं हो रही है, तो क्या चीज राइट है, ए बी एंड सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेसिक जेओसी से, ज्यादा फंडामेंटल पढ़ लिया आपने तो ये कर पाएंगे, हाई लेवल में जाने की जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक पेपर आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, एक भी टफ क्वेश्चन नहीं आया है बेटा अभी तक, सब पुराने पेपर में से था सारा के सारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से पी ब्लॉक का क्वेश्चन, फिर से पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया है, कहां से पी ब्लॉक का क्वेश्चन, और पहले स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सही या उचित कथन देखिए, CO2 आइसक्रीम हिम शीतलक खाद्य पदार्थ के रूप में NCERT के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम NCERT, पूरा पूरा NCERT में से है, हाफ एन आवर देख लेना पीछे ना, NCERT में से है, तो आइसक्रीम बिल्कुल सही, ये भी सही, CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये ICER का पुराना क्वेश्चन है, पिछले साल बिल्कुल नया सा बन के आया था ICER के अंदर, कि 6 कार्बन वाले जो होती है, 12 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले वाली 12 वाले होती है इसके अंदर, बिल्कुल गलत, और 5 कार्बन वाली 20, उल्टा कर दिया है बिल्कुल। तो यहां देखिए, स्ट्रक्चर कंटेंट 12 6 कार्बन रिंग, तो 6 कार्बन रिंग 12 एंड 25 मेंबर्ड रिंग, ठीक बेटा, ये सेकंड में गड़बड़ कर दी, इसको हटा दें, इसको हटा दिया हमने, ये गलत हो गया, उल्टा बोल दिया उसने। जेएसएम इज यूज, ZSM इज जियोलाइट, ये एक जियोलाइट है, किसको कन्वर्ट करता है, इथेनॉल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही। देन नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सही है, CO रंगहीन और गंधहीन है, तो CO कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, JSM इज जियोलाइट एंड यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल टू गैसोलीन, ये भी सही, ये भी सही, तो कौन कौन करेक्ट हो गया,
ए करेक्ट है बेटा, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। अब यहां कंफ्यूजन हो गया है, ऑप्शन दो राइट जा रहे हैं बेटा, तो ये पक्का आपका बोनस होने वाला है। क्वेश्चन क्या राइट हो रहा है, सी और डी करेक्ट बिल्कुल, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बी जहां आ गया वो करेक्ट नहीं है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। ए सी बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है बिल्कुल, बी एंड सी ये नहीं, तो ऑप्शन दोनों राइट है। फर्स्ट और थर्ड, जिसने फर्स्ट और थर्ड लगाया है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई है एनटीएसए। हो सकता है मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के बेसिस पे इसके अंदर दो ऑप्शन जा रहे हैं, वन और थ्री दो ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, डी ये एक और क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, उपसा संयोजक से क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और बिल्कुल लाइगेंड का पावर जो है, स्ट्रेंथ है, वो सबको याद है बेटा, सबने याद कर रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर टू इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, ठीक है, फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो ये जो है थर्ड नंबर ऑप्शन जो है, सॉरी थर्ड नहीं, यहां देखिए ये सेकंड ऑप्शन जो है ये राइट है, थर्ड नहीं सेकंड, एस सी एन एफ माइनस, ठीक है, ऑक्सिलेट और सी एन माइनस, तो ये देखिए एस सी एन एफ माइनस ऑक्सिलेट और सी एन करते हुए आए हैं अपन बहुत, जब भी कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, तो ये सबसे सिंपल, सी एन सबसे ज्यादा स्ट्रांग था तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता। सबसे पहले देखते सी एन, सी एन दो जगह आ रहा है तो ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा। फिर आप देखिए उसके बाद एफ सबसे लो, नहीं उससे लो कौन सा है, एस सी एन पढ़ते ही अपन, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्मो का एक और क्वेश्चन आपके पास में आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मो का, और ये क्या कह रहा है बेटा थर्मो का क्वेश्चन, ये कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, और यहां देखिए ये लगा दिया है आपके पास में इक्विलिब्रियम का एक साइन, और दे दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते ही जो नॉर्मल डेल्टा जी है वो तो जीरो हो गया है। अब आपके पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एन के सी, ये वाली इक्वेशन बन के आएगी, और इसके हिसाब से सबसे पहले देखो माइनस आर, आर कहाँ है माइनस, तो माइनस ये रहा माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई ऑप्शन होगा। आर जूल के अंदर कितना होता है 8.314, देन मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, फिर आपके पास टेम्परेचर जो है वो कितना है नॉर्मल 300 केल्विन, ये रहा आपका टेम्परेचर, तो ये रहा 300 केल्विन टेम्परेचर, देन उसके बाद में केसी आपके पास कितना है 2 × 10⁻³, ये रहा आपका 2 × 10⁻³, तो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपका पेट का पानी भी नहीं हिलने दिया एनटीए वालों ने, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल सिंपल, इसकी तो प्रैक्टिस अपन बहुत बार करते हैं बेटा, टेस्ट में भर भर के दिया है ये, और ये आपका जो है ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आने वाला है आपके पास में, और ये भी इंपॉर्टेंट लगवाया था बेटा, मैंने कहा था ये जरूर पढ़ के जाना, इस बार जो है आईआईटी के जब आपने क्वेश्चन देखे हैं तो आपको पता है 109 आया था, ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये जो एरिया है पीरियोडिक टेबल का, ये आईआईटी एडवांस मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो ये जरूर पढ़ के जाना, आपको हिंट भी दिया था मैंने, और वहीं से ही क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल सी बात है, उन नियम जो है वो नियम मेंडलीव है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, इसका नाम क्या है रोडेचेनियम जो है इसका नाम है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में चलते हैं पीरियोडिक टेबल, अभी तक के किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो है तकलीफ आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एनी सॉल क्लीवेज विथ एच आई, बिल्कुल सिंपल, फिनॉल बनाने का प्रोसेस है बेटा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस, तो ये तो यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आंसर नंबर इसका सेकेंड है। अब देखिए मेटल एनर्जी में से एक क्वेश्चन जो है अपन लेते हैं,
कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आईआईटी मेंस के अंदर आया था ये, जो रोट आयरन आईआईटी मेंस के अंदर। अगर आईआईटी मेंस के अगर आप क्वेश्चन करके गए हैं तो एनटीए के पास पेपर जो है वो मिलता जुलता बना रहा है एनटीए वाला, तो एनटीए किसने रिपीट किए हैं जो आईआईटी मेंस के क्वेश्चन, उसका इजी फॉर्म दे दिया। देखिए कौन सा राइट है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, पिग आयरन कैन बी मोल्ड। अरे सबसे ज्यादा पिग आयरन को मोल्ड किया जा सकता है, बिल्कुल सही है बेटा। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। और मैंने आपको ये कहा था कि कुतुब मीनार के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य का स्तंभ जो लगा हुआ है, द पिलर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वो प्योरेस्ट है और उस पर रस्टिंग नहीं होती है। किसका बना है बेटा, पिटवा लोहे का बना है, इट इज फ्रॉम रॉट आयरन, और उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.1% होता है। ये स्टोरी भी मैंने आपको बताई थी, और जब स्टोरी बताई थी तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये हो गया है सेकंड ऑप्शन, इट इज रॉन्ग। ठीक, इट इज जो है सही कथन आपको चुनना है, तो फर्स्ट मोल्ड कर सकते हो, तो ये क्या हो गया है आपको, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, फोफोलेदार तांबा, CO2 किसकी वजह से होता है, SO2 की वजह से होता है आपके पास में, तो ब्लिस्टर कॉपर किसकी वजह से, SO2 की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो है ये भी रॉन्ग हो गया, तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया। तो यहां देखिए, ये भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग। निकल के लिए तो मोल्ड प्रोसेस होता है बेटा, वान आर्कल प्रोसेस तो किसके लिए होता है, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम के लिए। तो ये राइट लगाते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा दिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा सही है, तो राइट जो है वो कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला राइट है बेटा। तो कच्चा लोहे को विभिन्न तरीके से ढाला जा सकता है, पिग आयरन जो ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले निकलता है, वात्या भट्टी से सबसे पहले निकलता है, वो है पिग आयरन। तो फर्स्ट सही है, पिटवा लोहे रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 1%। ठीक है, ब्लिस्टर का ऊपर SO2 निकलती है, और वान आर्कल प्रोसेस टाइटेनियम एंड जर्कोनियम के लिए होता है। ये डिस्कशन अपन क्लास में भर भर के कर चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट लगाए थे मैंने सारे के सारे 2020, और यही 2020 है, और ये मैंने क्लास में लिख के 2020 कहा था। सारे क्वेश्चन जो है नोट्स के अंदर 2020 का है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर मिल जाए तो आप देखें, रजिस्टर के अंदर सब आपको 2020 मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन टेस्ट में मैंने दिया था बेटा कई बार, और बच्चों ने इसको 2 से 3 बार दिया, बच्चे बार बार मेरे पास आते थे, सर इसका ऑप्शन ये कैसे हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है कि भाई आपके पास 2 Cl है, और अब ये एक मॉलिक्यूल में बदल गए, 2 एटम इन सिंगल मॉलिक्यूल, तो मतलब एक मैं और एक मेरी आत्मा है, ये एग्जांपल दिया था मैंने। तो रैंडमनेस, ठीक है, इंक्रीज है, और जैसे ही मैं और आत्मा एक हो गई, शरीर और आत्मा एक हो गई, तो क्या हो गया, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई, तो डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एस नेगेटिव, लेस देन 0 फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो देखिए लेस देन 0। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, मॉलिक्यूल बनता है, तो एक्सोथर्मिक मैक्सिमम टाइम इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एग्जांपल तो पुराना आईआईटी का पेपर है बेटा, पुराना आईआईटी का पेपर करवा चुके हैं अपन कई बार क्लास के अंदर इसका डिस्कशन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सा, लेस देन 0। अरे ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार करवा चुके हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत, 18 तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रॉयल का बच्चा सारे क्वेश्चन कर सकता है अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो, नहीं की है तो बात अलग है बेटा। अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इसमें सर ने और मैंने दोनों ने आपको बताया था, ध्यान देना बेटा, बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है, क्लोरीनेशन होगा। ठीक है, क्लोरीनेशन होगा, तो हो सकता है कि तीनों Cl जो है वो क्या हो जाए, वो हो जाए Cl हो जाए, तीनों Cl अलग हो सकते, यहां तीनों Cl आ सकते हैं, और हाइड्रोजिनेशन होगा इन तीनों Cl का, तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा एसिड बेटा, बेंजोइक एसिड। लेकिन हमें एसिड थोड़ी बनाना है, हमें तो क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, और एल्डिहाइड कैसे बनेगा, अगर 2 OH आएंगे तभी तो एल्डिहाइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहां से क्या होगा, जैसे ही आप सेकेंड स्टेप करेंगे
तो ये आपके पास में आ जाएगा सी ओ एच और ओ एच, और एक कार्बन पर दो एच टिकते नहीं है, और टिकते नहीं है तो एच टू ओ बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा और ये क्या बना देगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है बेटा, कर चुके हैं अपन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, बहुत ही सिंपल पेपर बेटा। अब ये फिर से पी ब्लॉक छाया हुआ है बेटा, पी ब्लॉक डायरेक्ट एनसीईआरटी पी ब्लॉक, तो एनसीईआरटी एंड पी ब्लॉक जिंदाबाद, पी ब्लॉक जिंदाबाद है बेटा। ठीक है, पी ब्लॉक में से सीओ न्यूट्रल होता है, सबसे पहले सीओ न्यूट्रल, तो सीओ न्यूट्रल, सीओ क्या है, न्यूट्रल उदासीन, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ए के साथ में फर्स्ट कहां का आ रहा है, ए के साथ में फर्स्ट, तो ए के साथ में सेकंड, सॉरी ए के साथ में सेकंड कहां का आ रहा है, एक यहां आ रहा है, और जैसे ही यहां, तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, ये रहा बेटा। उसके बाद में कह रहा है कि बी ये क्या है, ये तो बेसिक इन नेचर, तो ये फर्स्ट हो गया बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही हो गया। देन एल टू ओ थ्री, अरे आईआईटी के अंदर आया पहला एम्फोटेरिक, ये रहा एम्फोटेरिक आ गया आपके पास में फोर्थ, एंड फाइनली आपके पास में ये Cl2O7 एसिडिक। जैसे जैसे पी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट जाऊंगे, एसिडिक करेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज होता रहता है बताया गया है, तो ये आपके पास में थर्ड ऑप्शन आ गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट चले बेटा, आपके पास में बहुत ही सिंपल पेपर यार, बहुत सिंपल पेपर। नेक्स्ट, हाँ, बहुत सिंपल, आपको ये बार बार बताए गए, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन क्या हो रहा है, यूरिया रिएक्ट विद वाटर, यूरिया जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है, मतलब यूरिया जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा बेटा। अमोनिया क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर क्या देता है, गहरा ब्लू कलर देता है। तो व्हेन यूरिया रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस ए, ए इज अमोनिया, अमोनिया रिएक्ट विद प्लस टू कॉपर, और क्या बना देगा ये वाला, और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोला है बेटा, कलर किसकी वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, 2020 लगवाया है, 2020 लगवाया है, नीट में आ गया है बेटा, सारे नीट के अंदर 2020 आए लगवाया है, और ये क्वेश्चन आ गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो बिल्कुल सिंपल, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, अगर प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड नहीं होता, ये प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, तब तो क्या होता है, SO2 मिलती अपने को, लेकिन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड की वजह से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, तो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैं तो खुश हो रहा हूं इस पेपर को देख के कि बच्चे जो है वो सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, बच्चों ने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, टेस्ट में दिया है कई बार दिया है। क्या है बेटा, एक तत्व का 288 पीएम सेल कोर काय केंद्रीय गणीय संरचना, 28 नंबर क्वेश्चन, बीसीसी स्ट्रक्चर, अरे बीसीसी में क्या होता है, देखो बीसीसी कैसा है, ये बीसीसी है बेस सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, यहां 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 यहां, अब इसके अंदर आपके पास में कहां है, ये रे कोनों पर, ठीक है, और कहां है, एक यहां पर, तो आपके पास एक ये गोला, फिर एक ये गोला, और एक ये गोला, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक ये कितना है, R प्लस टू आर प्लस आर फोर आर, ठीक है, और मैंने आपको बताया है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रूट थ्री ए है, तो रिलेशन बिटवीन रूट थ्री ए एंड R इज इक्वल टू फोर आर, तो ए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन फोर, और ये ए, और ए कितना है बेटा, 288 है, तो रूट थ्री अपॉन फोर इंटू 288, अरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेटा, पुराना नीट का क्वेश्चन है, दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन नंबर टू, कर चुके हैं अपन। ठीक है,
बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन कहां से आया, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल भी छाया हुआ है, बायोमोलिक्यूल से नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से। और बायोमोलिक्यूल मैंने कहा था पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, पढ़ के जाना। बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सिंपल, हम ड्रग्स से सोच रहे थे क्वेश्चन, लेकिन डिटर्जेंट भी हमने कहा था, बायोमोलिक्यूल में से भी क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पिछला BHU में भी पूछा था, जो BHU वाले बच्चे हैं उसने उन्होंने भी देखा होगा, फ्रक्टोज और क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन कौन सा ग्लूकोज कौन सा फ्रक्टोज, तो डी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, सिंपल। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या मिलेगा, क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, बार बार ये आ रहा है। अरे बेटा एक क्षारीय अमीनो अम्ल है, विच वन इज ए बेसिक अमाइनो एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कौन सा अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड के अंदर ये दो चीज NH2COH, तो यहां तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और NH2, ये आपका कौन हो गया है, लाइसिन। तो यहां देखिए कितने NH2 हो गए, दो NH2 हो गए, तो एसिड और NH2 ये तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये NH2 तो बेसिक है, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड के केस में मैंने कहा था अमीनो अम्ल के केस में कि सारे के सारे अमीनो अम्ल के स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, और वो आपने रखे हैं, तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, ठीक है, हाफ एन आवर देख लिया आपने, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट लगाया है 2020 पर लगा रखा है कि विच वन इज जीरो डाइपोल मोमेंट, और ये बहुत ही फेमस है। अरे BF3 SP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो करवा चुके हैं अपन, BF3 जीरो, देन BF2 ये भी जीरो, देन उसके बाद में CO2 ये भी जीरो, देन बेंजीन, और वो भी बेंजीन किस पे है, 1 पे और 4 पे, तो ये भी जीरो। तो ये सबका तो यार रटवा रटवा के थक गए हैं आपको, ठीक है, इतना रटवाया है, कौन सा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सॉल्यूशन में से किसी के साथ भी दगा नहीं किया है, सारे क्वेश्चन आए बेटा सॉल्यूशन में से। तो सॉल्यूशन में से क्वेश्चन क्या है आपके पास में, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, तो केएफ आपको दिया हुआ है, केएफ कितना दिया हुआ है 5.12, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी इज दिस, तो मोलरिटी आपको दे रखी है कितना 0.078 मोलर, देन उसके बाद में इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो सिंपल बात है, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है, तो सिंपल आपको निकालना है डेल्टा TF, और ये क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा TF का, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M। अरे सिंपल मल्टीप्लाई, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या बेटा, KF को M से मल्टीप्लाई करना है, 0.4 आ जाएगा आपके पास केल्विन, तो सिंपल आपको KF दे रखा है, आपको क्या पूछा है, हिमांग में अवनमन डेल्टा TF निकालना है, और ये आपको मोलेलिटी दे रखी है, मोललता दे रखी है, तो केव मोललता दे रखी है। अब इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये रहा आपके सामने, ठीक है, और भी इजी आएंगे, बहुत फेमस फेमस क्वेश्चन है दे दिए गए हैं, अगर आपने पुराने पेपर भी कर लिए होते तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आपके पास में कौन सा, ओ बॉन्ड फॉर्मेशन, अरे ये वाला अपन करते हैं, देखो तो ऑप्शन कौन सा, S2O2, ये OH, ये O, ये O, फिर O एंड O परऑक्साइड लिंकेज, देन SO, ये O, ये O, और ये किसमें, और ये तो अपन कई बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी करते हैं कि यहां एक परऑक्साइड लिंकेज होता है, और हमेशा ऑक्सीजन फैमिली से करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन कहां से आया है,
पी ब्लॉक स्टार है बेटा, इस साल का स्टार पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ऑलवेज स्टार होता है, लेकिन इस साल पी ब्लॉक स्टार है। तो पी ब्लॉक में से क्वेश्चन है सीधा। एंड एस ब्लॉक, नेक्स्ट क्वेश्चन एस ब्लॉक से है, क्वेश्चन नंबर 29 एस ब्लॉक का क्वेश्चन। देखिए एस ब्लॉक का क्या क्वेश्चन है, HCl पास करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। अरे भाई आपने सी वाटर लिया, NaCl आपको बनाना है, हम क्या करते थे HCl उसमें डालते थे, क्या होता था NaCl के क्रिस्टल बन जाते थे, बाकी सब डिसॉल्व हो जाता था, तो NaCl के क्रिस्टल बन जाएंगे, तो ओनली NaCl क्रिस्टलाइन होगा। क्लियर हो गई बात, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक, ब्लॉक ही ब्लॉक छाए हुए बेटा, ब्लॉक ही ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आई है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। जीटा विभव का मान कोलाइडी विलयन के किस गुणधर्म का निर्धारण करता है, मेजरिंग द जीटा पोटेंशियल, और आपको बताया स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कोलाइडी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी स्थायित्व बढ़ाता है। तो देखिए हिंदी में, इंग्लिश में तो है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडी पार्टिकल, तो ये आपने सही कर दिया, लेकिन हिंदी में यहाँ टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई है, कोलाइडी विलयनों की विलयता, मतलब यहाँ होना चाहिए स्थायित्व, तो स्थाई यहाँ होना चाहिए था, जो कि गलत कर दिया गया है। लेकिन आप तीनों चीजें ध्यान देते हैं तो फोर्थ आंसर, इंग्लिश भी पढ़े, इसलिए कहते हैं बार बार इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी वालों के लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश वाला को पेपर इंग्लिश में ही आया था, तो फोर्थ आंसर हो गया आपका। तो 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं, और एक भी क्वेश्चन जो है वो अबोव एवरेज भी नहीं आया है, सबके सब बिलो एवरेज क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो हमने कर लिया था 31 के अंदर चलते हैं अपन। केमिकल काइनेटिक का एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं पहले। केमिकल काइनेटिक का सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2020 लगवाया था कि नहीं लगवाया था 2020। अरे यार सारे के सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, 2 ग्राम और कितना कन्वर्ट हो जाता है, 0.2 ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 ग्राम × 0.2 ग्राम क्या आपका जो है वो K=2 क्या होता है, 2.303 log A/A-X। अब आपको T चाहिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपली मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, T=2.303 और K कितना है, K आपको दे रखा है, ये रहा आपके पास K, तो 4.66 × 10⁻³ - 3 × log A कितना है 2 ग्राम और ये कितना हो गया A - X, A कितना है 2 ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 0.2, तो कितना हो जाएगा टोटल, इन दोनों का आ जाएगा 10, तो यहां लिख देता हूं 2/0.2 ये हो गया 10, log 10 = 1 ये पूरा 1 हो जाएगा, ये यहां 2 टाइम हो गया, तो आपके पास क्या आ गया है T = 1/2 × 10⁻³ - 3 ये -3 ऊपर जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं 1000/2 और कितना हो जाएगा 500 आंसर है मिनट, तो फोर्थ आंसर आपका राइट है 500 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक में नहीं बनते, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला सीधा पुट करो सीधा आंसर। दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। अगला वाला क्वेश्चन फिर वैसा के वैसा, एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि नहीं बनाई जा सकती, क्यों नहीं एन हेप्टेन में नहीं बना सकते, बेटा कर चुके हैं अपन ये एन हेप्टेन में नहीं कर सकते, एन हेप्टेन का मतलब नहीं हो गया बहुत सारा, तो ये वुड्स के अंदर बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं, फिर पी ब्लॉक, फिर आपका पी ब्लॉक आ गया है। ठीक है, पी मिलाया, हाइड्रोजन मिला दिया, एस ब्लॉक मिला दिया, तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्या है बेटा, मैच करो, ये सिनगैस 2020 लिखवाया है मैंने,
मेरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा 2020, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2020 वाला क्वेश्चन सिनगैस, सिनगैस क्या है? संश्लेषित गैस। सिनगैस क्या है? संश्लेषित गैस। टेम्परेरी हार्डनेस MgCO3, तो टेम्परेरी अस्थाई कठोरता पढ़ाया है मैंने, कठोरता से क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड डाइबोरेन, डाइबोरेन आएगा, कहा था डाइबोरेन आएगा, तो डाइबोरेन आ गया बेटा, ठीक है। H2O2 असमतलीय होता है, H2O2 नॉन प्लेनर होता है, ये सिनगैस हो गया। तो क्या हो गया पहला? तो सिंपल देखिए, थर्ड सेकेंड, तो फर्स्ट के अंदर क्या है? फर्स्ट है थर्ड, तो फर्स्ट के अंदर थर्ड। टेम्परेरी हार्डनेस फर्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट डाइबोरेन, डाइबोरेन हो गया। देन H2O2 नॉन प्लेनर हो गया सेकेंड आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं उनके लिए भी सीखने लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। KSP आएगा, ये आएगा KSP। मैंने बच्चों को कहा था केएसपी पढ़ के जाना। केएसपी 2020 वाला क्वेश्चन, 2020 वाला क्वेश्चन केएसपी, पता है था कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में जब इस तरह का आपके पास में हो, मतलब इस तरह का हो, तो हम यहां क्या करेंगे? KSP/C² = S हो जाता है। ये C क्या है? ये कॉमन आयन की वजह से जो कंसंट्रेशन हो रही है। तो सिंपल है, KSP कितना है? 2×10⁻¹⁵। तो आयनिक गुणनफल जो होता है, आयनिक गुणनफल हो वो विलयता गुणनफल, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल होता है, अपॉन जो OH मैक्सिमम आएगा वो 0.1 NaOH से आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है 0.1 NaOH से। तो 0.1×0.1, तो जब ये करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 2×10⁻³, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। MOT से, MOT मैंने कहा पढ़ के जाना, 2020 मैंने कहा आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कौन सा अस्तित्व में नहीं है? बहुत सारा अपनों ने टेस्ट में दिया है, टेस्ट में भर भर के दिया है। हीलियम नहीं बनता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा? हीलियम से 4 इलेक्ट्रॉन 1/2, ठीक है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितना होगा? 2-2, तो कितना हो गया? 0, ये 0 हो गया। तो 0 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, मतलब वो नहीं बनेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बाकी सब तो बनते हैं बेटा, ये कर चुके हैं अपन, बहुत सिंपल क्वेश्चन MOT का क्वेश्चन। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाने दिया आपको, ना नाइट्रोजन दिया, ना ऑक्सीजन दिया, ना पैरा मैग्नेटिज्म पूछा, ना डाया मैग्नेटिज्म पूछा, सीधा पूछ लिया कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हीलियम नहीं करता बेटा, HE2 नहीं करेगा, सिंपल MOT का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है वो बहुत ही सिंपल। अरे बेटा, मैंने कहा था कार्बेलामीन परीक्षण, कार्बेलामीन रिएक्शन, ये टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्राइमरी अमीन देता है, कौन प्राइमरी अमीन? दिख रहा है साफ साफ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं प्राइमरी अमीन हूं। ये रहा प्राइमरी अमीन कार्बेलामीन, आगे चले, ठीक है, डिस्कशन का बात ही नहीं है, ठीक है। देन फिर पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब मिला दिया, डी ब्लॉक का क्वेश्चन, ब्लॉक बहुत आए बेटा, डी ब्लॉक, ये फिर कौन सा डी ब्लॉक? ब्लॉक ही ब्लॉक आए हैं बेटा, डी ब्लॉक कौन? फर्स्ट क्वेश्चन CrO25, विच वन इज इन करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन देखें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ठीक है, क्या है? Cr2O7-2 एंड Cr4-2, दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6, इसमें भी +6, सेम है बेटा, दोनों में सेम, मतलब आर नॉट सेम, बस यही लोचा हो गया, नॉट सेम, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, मतलब अपना आंसर ही यही हो गया। लेकिन आगे देखें, अरे क्रोमियम +2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, कई बार बोला है आपको, क्यों? क्योंकि ये +3 में कन्वर्ट होना चाहता है, तो वाटर में सबसे ज्यादा ये, ठीक है। फिर
कैटेलिक प्रॉपर्टीज जो होती है, उत्प्रेरकीय गुण जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, वो किसकी वजह से होते हैं भाई? उसका जो लाइगेंड के साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाला नेचर, उसकी वजह से, और सबसे ज़्यादा उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंजिंग नेचर है, उसकी वजह से होता है। तो ये नेक्स्ट वाला भी सही है। और नेक्स्ट इसके नीचे भाई जो आपके पास में अंतराकाशीय यौगिक है, इंट्रास्ट्रेशन कंपाउंड है आपके पास में, तो ये इसमें क्या होता है कि जैसे ही क्रिस्टल बनता है डी ब्लॉक का, उसके अंदर छोटे छोटे जो एलिमेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने से, जुड़ जाने से उसका क्या स्टाइकोमेट्री बिगड़ जाती है, रस समीकरण मिति बिगड़ जाती है। तो ये भी सही है। तो ये सही तो गलत कौन सा स्टेटमेंट है? ये भी सही, तो फर्स्ट वाला गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? अरे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। मतलब गलत कथन कौन सा है? ये वाला गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है। तो लास्ट आपके पास में आ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आहा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से फिर एक क्वेश्चन। तो केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन, अभिकारकों की सांद्रता वृद्धि में परिवर्तन होता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो क्या होगा? एक डब्बे में मैं बहुत सारी गैस भर दूं और भरता चला जाऊं, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन की रेट इंक्रीज हो जाएगी, नंबर बढ़ेगा तो रेट इंक्रीज हो जाएगी, तो संघटक की आवृत्ति बढ़ जाती है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। फर्स्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट बात करें आपके पास पार्शियल प्रेशर, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, क्या हो गया है? N2R2 जो है पहले मोल, आप क्या बता रहे हैं? आंशिक दाब, तो पहले मोल फ्रिक्शन निकालोगे कि नहीं निकालोंगे? तो आपके पास पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सॉल्यूशन का। हेनरी लॉ के अंदर अपन बात करते हैं, क्या निकालना है आपको? N2 का आंशिक दाब निकालना है, तो PN2 इज इक्वल टू पी प्योर इंटू XN2। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज है, और मोल प्रभाज निकालोगे तो पहले मोल निकालो, तो मोल निकालो सबसे पहले। नाइट्रोजन आपको दुख भी नहीं दिया है, नाइट्रोजन का आपको मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट भी दे रखा है, तो N2 28 हो गया, तो 7/28 इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 1/4। ये किसके मोल है? ये N2 के मोल हो गया, मोल ऑफ N2। देन उसके बाद में आर्गन, आर्गन का कितना हो गया 40। कितना आर्गन है आपके पास में? आर्गन आपके पास में है बेटा 8/ आपके पास में हो गया है 8/40, ये हो गया आपके पास में 1/5, और ये आपके पास मोल्स आ गए हैं, और इससे मोल फ्रिक्शन N2 निकालोंगे तो मोल फ्रिक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू टोटल मोल 1/4 प्लस 1/5, और इसको पुट करोगे कहां पर? इस जगह। तो ये आपके पास में P0 कहाँ है? ये रहा 27 बार, तो 27 बार यहाँ रखोगे, और ये पूरा पूरा यहाँ पुट करोगे तो 15 बार आपके पास आंसर आ जाएगा। पुराना क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये रहा आपके पास में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन का सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बहुत इजी क्वेश्चन आए बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कह रहा है? CaCl2, तो इससे क्या हो गया? कैल्शियम प्लस 2। 40 ग्राम कैल्शियम प्लस 2 अगर आपको चाहिए कैल्शियम से कैल्शियम प्लस 2, तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेरेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फेरेड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेड CaCl2, मतलब 20 ग्राम चाहिए आपको। 40 कब मिलता बेटा? जब 2 फेरेड होता। 20 कब मिलेगा? 1 फेरेड। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कि गलत CaCl2 के 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कितना फेरेड जरूरी है, और 40 इसका ग्राम मोल है, तो सिंपल सी बात है कैल्शियम मिलता है प्लस 2 में, तो 40 ग्राम बनाने के लिए इसको कितना 2 फेरेड देना पड़ेगा, तो 2 फेरेड में बनता है 40, तो 1 फेरेड में कितना बनेगा 20 ग्राम, तो आंसर क्या हो गया? 1 फेरेड। सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेराडे लॉ से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 2020 लगाया था आपके सिलेबस में रजिस्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता चुके हैं हम आपको,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रॉस एल्डोल कई बार कर चुके हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको करा रहा है क्रॉस एल्डोल 41। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोल की तनु NaOH से रिएक्शन कराने पर क्या होगा? क्रॉस एल्डोल है बेटा, तो सीधा इसमें तो कुछ करने की बात ही नहीं है, ये क्रॉस एल्डोल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं हम, ठीक है। क्या क्वेश्चन है बेटा? व्हाट इज द चार्ज इज ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन? तो CH4 में कार्बन कौन से स्टेज में? प्लस फोर में। जैसे ही इसमें गया CCl4, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये किसमें? यहां से, ओ सॉरी क्या हो गया है, यहां से ये देखिए, सिंपल CH4 में कार्बन मोर नेगेटिव है, तो इस पर आएगा प्लस माइनस फोर और माइनस फोर से ये किसमें पहुंच गया है? ये प्लस फोर में कार्बन पहुंच गया है। तो माइनस फोर टू प्लस फोर आंसर कहां है? ये रहा माइनस फोर, इसमें माइनस फोर है और इसमें प्लस फोर है। तो सिंपल, मीथेन में CH4 में कितना है कार्बन? माइनस फोर, और CCl4 में कितना है? प्लस फोर। तो माइनस फोर से प्लस फोर, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लास्ट दो तीन क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओजोनोलाइसिस कहा था 2020 लगवाया था 2020 लगवाया, ठीक है। ओजोनोलाइसिस काटो, मीथेन चाहिए अपने को, मीथेन बनाना है, वन मोल मीथेन, मिथेनेल बनाना है। मिथेनेल कहां से बनेगा? ये रहा, यहां से काटोगे, यहां से बनेगा, ये फोर्थ काटना, ओजोनोलाइसिस में काटना सिखाया ना, ये क्या होगा? ये काटा, तो ये CH2 अलग हो गया, और ये CH2 आपको क्या देगा? मिथेनेल देगा। तो आपके पास मिथेनेल आ गया है काट के, बहुत सिंपल क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस का। अगली बात करते हैं अपन, RMGX बोला था, RMGX पढ़ के जाना, RMGX एसीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्स क्लोराइड हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMGX की रिएक्शन है किसके साथ में? एसीटोन के साथ में, और बहुत इंपॉर्टेंट कहा था आएगा ही आएगा और आ गया, और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनता है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनता है कि नहीं बनता है? ये रहा आपके पास में, सिंपल क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये तो इसको एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। और फिर उसके बाद में केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का क्वेश्चन आ गया है, धनायनीय अपमार्जक कौन सा है? केटायनिक डिटर्जेंट, तो अमोनियम वाले जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, ये वाले सारे केटायनिक डिटर्जेंट होते हैं। तो सेटिल ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ये आपके पास में आंसर हो गया है। और इसी के साथ में बेटा सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गए हैं, एक क्वेश्चन जो है इसमें दो आंसर जा रहे हैं, एनटीए क्या कहता है वो देखते हैं अपन। तो फाइनली बहुत इजी पेपर, एक भी क्वेश्चन को मैं नहीं कहूंगा कि टिपिकल है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके थे हम, बार बार रिविजन कराए। ये वो क्वेश्चन है जो ऐसा नहीं कि एक दो बार करा दिया आपको, ये क्वेश्चन वो थे जो बार बार कहे गए और आपको ठोक ठोक के बताया गया ये आएगा, और वही आए हैं क्वेश्चन बेटा। अगर थोड़ा सा आपने हमको सीरियसली लिया होता, और जो हमसे जुड़े हुए, चाहे वो ऐप से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो हमारे जो क्लासरूम कोचिंग के स्टूडेंट्स थे, नीट ही नहीं, ICAR BHU जो भी दूसरे जुड़े हुए हैं, उन सब अगर ये देख रहे हैं पेपर, तो इस पेपर को देख के आपको लग गया होगा कि केमिस्ट्री में बहुत ईजी पैटर्न चल रहा है अभी, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लॉक्स की डोमिनेंसी ज़्यादा है, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, इनकी डोमिनेंसी ज़्यादा है, तो इस पर ध्यान दें। न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटिवली हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं,
तो नीट से आपको जो ICAR के बच्चे हैं, जो जेट के बच्चे हैं, या दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम NTA के होने वाले हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, उनके लिए ये पेपर एक सबक है। और ये सबक दे के जा रहा है कि बेटा पुराने पेपर्स करें, हमारी बात माने, गुरुजी कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ उससे निकल के आता है। जो 2020 लगाए हैं वो बिलीव वाले ही हैं, और ये आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये पेपर जो सॉर्ट आउट हुआ है। ठीक है बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने बहुत अच्छा किया उनके लिए भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं, और जिन्होंने नहीं कर पाए हैं वो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें और भी है, रिजल्ट का इंतज़ार करें, नहीं होता है तो आगे बढ़े, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती है ज़िंदगी के साथ में, ज़िंदगी आपको नए नए मोड़ पर नई नई चीज़ें करना सिखाती है। तो जो सिलेक्शन हो जाए जिनका, जिनको अच्छा हुआ है पेपर वो इसके मज़े लें, जिनका नहीं हुआ है दिल को बड़ा करें, अच्छी मेहनत करें ज़िंदगी में आगे और आगे बढ़े। चलिए, रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से, मैं HOD केमिस्ट्री डॉक्टर शाहनवाज खान आपको अलविदा कहता हूँ। फिर से मिलेंगे नए जो पेपर्स आने वाले हैं उनके सॉल्यूशन के साथ में और बहुत सारी और चीज़ों के साथ में, और YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते रहूँगा मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के। ये तब तक के लिए अलविदा, बाय, शब बखैर।